बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास एक ऑक्टागोनल यानी आठ कोनों वाली एक शेप है और इसमें मुख्तलिफ नंबर्स लिखे हुए हैं और हमने ये बताना है कि इस हिस्से में क्या आएगा। तो सबसे पहले हमने इन नंबर्स का सीक्वेंस समझना है और उसके बाद इसका जवाब फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के सवाल जो आर्मी के टेस्ट हो गए या नेवी के या कोई भी फोर्सेस के या इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट के टेस्ट होते हैं तो वहाँ पर इस तरह के सवाल लाजमी पूछे जाते हैं। तो इसका सीक्वेंस समझते हैं। तो सीक्वेंस यहाँ पर आप ये देखें, ये 2, 3, 4, 5 और ये 5 दोबारा आ गया, फिर 10 और 17 है। तो यहाँ सीक्वेंस क्या है, देखिए 2 का स्केयर होता है 4, 4 में एक ऐड कर दे तो ये बनता है 5। तो यहाँ पर ये आपके पास ये 5 मौजूद है, इसके क्रॉस में आप देखें 5 मौजूद है। फिर 3 का स्केयर 9, 9 में एक ऐड करें 10, तो यहाँ पर 10 मौजूद है। 4 का स्केयर 16, इसमें भी एक ऐड करें तो ये बनता है 17, तो ये 17 मौजूद है। अब 5 है तो 5 का स्केयर 25, इसमें एक ऐड करें तो बनता है 26, तो यहाँ पर आपका आंसर 26 आएगा। यानी यहाँ पर अगर आप सिंपल ये देखें तो जो फार्मूला है वो है n² + 1। n से मुराद नंबर है जो दिया गया है, नंबर का स्केयर और उसमें एक ऐड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा।